बेस्ट कैलकुलेटर फॉर एसएटी एग्जाम, ये जानने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं कॉलेज बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप आओगे जैसे, तो यहाँ पे आपको सारे एक्सेप्टेड जो कैलकुलेटर्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हैं सारे, आप देख सकते हो। यहाँ पे ज्यादातर आपको कैशियो, हेलेट पैकर्ड, रेडियो शेक, टेक्सस इंस्ट्रूमेंट्स और अदर के अंदर डीटेक्स और स्मार्ट स्क्वायर के जो कैलकुलेटर्स हैं वो यहाँ पे और उनके मॉडल्स लिखे हुए हैं। तो मैंने सारे कैलकुलेटर, एक एक मॉडल हर कैलकुलेटर को एक बार मैंने चेक किया, उनके फंक्शन चेक किए, मैंने हर कैलकुलेटर के बारे में रिव्यूज चेक किए, और उसके बाद मैंने जितने भी अपने बच्चे हैं उनसे रिव्यू लिए कि कौन सा बेस्ट है, कॉलेज एक्सपर्ट हैं जो, और जो एसईटी के जो टीचर्स हैं उनसे भी मैंने बात की, और सारी चीजें करने के बाद और कुछ मैंने खुद ही परचेज करके देखे, मैंने पर्सनली चेक करे जो मुझे अच्छे लगे, और ये सब करने के बाद मुझे पता चला कि कौन सा बेस्ट कैलकुलेटर है फॉर एसईटी एग्जाम। बट ये जानने से पहले आपको एक चीज जानना और जरूरी है, क्या कैलकुलेटर सच में इंपॉर्टेंट है, सच में जरूरी है, सच में मस्ट है? तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है। या अगर आप विदाउट कैलकुलेटर भी एसईटी देते हो तो इजीली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये बहुत बड़ा मिथ है कि मस्ट है कैलकुलेटर होना, बिकॉज वहां पे आपकी मैथमेटिक और रीजनिंग स्किल्स आपकी टेस्ट की जाती है, ना कि कैसे आप कैलकुलेटर यूज करते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एसईटी कभी कभी स्कोर आपका बढ़ाने की जगह कम भी हो जाता है, बिकॉज कुछ बच्चे लास्ट में कैलकुलेटर ले लेते हैं और एग्जाम में जाके वो कैलकुलेटर वाले सेक्शन में हर क्वेश्चन में कोशिश करते हैं कि हम यूज कर लें कैलकुलेटर। तो ये बहुत बड़ी गलती है, कभी कभी इसका यूज करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको सोच समझ के, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, तो हो सके जितने जल्दी आप ले सकते हो तो ले लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा जो मैं बेस्ट बताने वाला हूं, और आपको ध्यान से इसका यूज करना है, आपको समझना है कि किस क्वेश्चन में मुझे यूज करना है और किस क्वेश्चन में मुझे यूज नहीं करना है। सो कौन सा है वो बेस्ट कैलकुलेटर, आइए जानते हैं। तो ये है वो बेस्ट कैलकुलेटर जो मैंने परचेस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैलकुलेटर, और ये है कैशियो का। या मैं कह सकता हूँ कैशियो के साथ आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, कुछ 30-40,000 के भी है। मैं ऐसे कुछ बच्चों को जानता हूँ मेरे जिसके पास 40-50,000 तक के कैलकुलेटर्स हैं एसईटी के लिए और भी चीजों के लिए। तो आप ये गलती मत करिए, या अगर आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले सकते हो, और भी अच्छी चॉइसेस हैं, बट मैं बोलूंगा आप कैशियो के इसके साथ जा सकते हो। इसका नाम है FX 991 EX Plus सेकेंड एडिशन, आप इसके साथ जा सकते हो। इसके अंदर बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं, देख सकते हो आप, और सिंपली मेरे हिसाब से परफेक्ट है। जितनी चीजें आपको चाहिए वो इसके अंदर अवेलेबल है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इसके अंदर हर चीज अवेलेबल है, साइन कॉस्ट से लेके, तो आप इसके साथ जा सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आपकी नीड्स ज्यादा है, आप और अच्छा लेना चाहते हो, तो आप टेक्सस इंस्ट्रूमेंट के साथ जा सकते हो, अगर आपको थोड़ा कॉस्टली चाहिए। इसका कॉस्ट अराउंड 1,000 या 1,200 आएगा, इसके अप्रोक्स आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। बट अगर आप इससे भी थोड़ा चीप लेना चाहते हो तो आप और भी कैशियो के चेक कर सकते हो, कैशियो के साथ आप जा सकते हो। तो ये था मेरा पूरा कि कौन सा कैलकुलेटर बेस्ट होता है, कौन सा कैलकुलेटर बेस्ट नहीं होता है, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप इससे चीप भी ले सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि आपको जरूरत नहीं, आप एक इंडियन हो और आपकी मैथ अच्छी स्ट्रांग है, तो आप अगर आप कैलकुलेटर नहीं भी लो तब भी चल जाएगा। और कुछ भी डाउट आते हैं आपको और कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मुझे कमेंट। नाउ क्रॉस द स्काई लिमिट्स, see you tomorrow।